दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कामत की रसोई में। मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों ये सर्दियों की खास रेसिपी है। आज हम मटर पुलाव बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए बनाते हैं सुपर टेस्टी मटर पुलाव। यहाँ पे मैंने एक गिलास चावल लिया है दोस्तों, और चावल में हम पानी डाल देंगे और चावल को हल्के हाथ से मसल के धो लेंगे ताकि जो चावल की गंदगी है ना वो निकल जाए दोस्तों। तो हम 2 से 3 बार चावल को अच्छे से धो लेंगे। तो दोस्तों हमने चावल को अच्छे से मसल मसल के धो लिया है, तो अब इसका हम जो पानी है ना गंदा वाला वो निकाल देते हैं और इसमें साफ पानी डालकर आधे घंटे के लिए रख देते हैं ताकि जो चावल है ना हमारा अच्छे से भीग जाए। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कुकर को चढ़ा दिया है, फ्लेम हमने हाई रखा है, कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है दोस्तों। इसमें हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें जीरा और खड़े मसाले डाल देंगे, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च। खड़े मसाले में मैंने यहाँ पे इलायची और बड़ी इलायची ही डाला है दोस्तों, आप चाहे तो लौंग, जावित्री वगैरह भी डाल सकते हैं। अच्छे से जीरा भुनने के बाद इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने लंबाई में कट करके लिया है दोस्तों। प्याज को डालने के बाद अच्छे से हम भूनेंगे प्याज को, जब तक कि प्याज में सुनहरा रंग ना आ जाए। तो प्याज को लगातार चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है। फ्लेम यहाँ पे हमने हाई रखा है। और प्याज को हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है और प्याज में बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो वीडियो में। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही इसमें हम ड्राई नट्स डाल देंगे। जो भी ड्राई नट्स आपको पसंद है ना आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 से 5 किशमिश, 4 से 5 काजू और 4 से 5 बादाम लिया है। थोड़ा सा गोला भी लिया है बारीक काट के। अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट और भुनेंगे। सारी चीज़ों को भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर की प्यूरी ली है, मीडियम साइज का टमाटर था दोस्तों, इसे मैंने घिस लिया था। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे सारे मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा ले सकते हैं। और मसालों को मिक्स करके कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद इसे हम कवर करके 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो हमारा टमाटर है ना वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने सारे मसालों को मिक्स कर दिया है। अब इसे हम कुकर को हल्के से कवर करके और 2 से 3 मिनट पका लेंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया है, मसाला आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भून चुका है, साइड से किनारों से तेल निकलने लगा है। अब इसमें हम आलू और मटर डाल देंगे क्योंकि हम मटर पुलाव बना रहे हैं दोस्तों। आप चाहे तो अपनी मनपसंद सब्जियों को कट करके डाल सकते हैं, इसी समय डालें दोस्तों ताकि जो सब्जियां है ना वो अच्छे से भून जाए। तो मैंने यहाँ पे आलू और मटर को अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया है, आप वीडियो में देख सकते हो दोस्तों। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, मैंने यहाँ पे लंबाई में 2 से 3 हरी मिर्च को कट करके डाला है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल दिया है और कवर करके इसे हम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है दोस्तों और जो हमारा आलू मटर है ना वो मसालों में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और सब्जियों का जो कच्चापन है ना वो भी दूर हो गया है। तो अब इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसमें हम अपना धुला हुआ चावल डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें सारे चावल को अच्छे से डालना है सब्जियों के ऊपर, बिल्कुल भी हमें पानी अभी ऐड नहीं करना दोस्तों। और चावल को डालने के बाद हमें सब्जियों के साथ हल्के हाथ से मिक्स करना है क्योंकि जो हमारा चावल है ना इसे हमने भिगो रखा है, तो इसीलिए हमें हल्के हाथ से मिक्स करना है दोस्तों ताकि जो हमारा चावल है ना वो टूटे नहीं। तो दोस्तों हमने चावल को अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है, अब इसे हमें और ज़्यादा नहीं मिलाना। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो दोस्तों पानी हमें उतना ही लेना है जितना हमने चावल का इस्तेमाल किया है। तो हमने 1 गिलास चावल लिया है ना, तो 1 गिलास ही हम पानी डालेंगे
क्योंकि हमने चावल को पानी में भिगो रखा था ना, बस इसीलिए। तो इस बात का आप ध्यान रखना दोस्तों, तभी आपका पुलाव जो है ना बिल्कुल खिला खिला बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने एक गिलास पानी डालकर अच्छे से चावल में मिक्स कर दिया है और अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच देसी घी। तो दोस्तों आप घी की जगह बटर भी ले सकते हो। इस समय ना घी डालने से पुलाव में बहुत अच्छे से महक आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से डालना। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पे एक सीटी आने तक पुलाव को पकाएंगे। तो दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस एक सीटी आने तक ही हमें पुलाव को पकाना है। तो एक सीटी आ चुकी है दोस्तों, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सीटी को निकलने देते हैं। तब तक हम पुलाव के साथ खाने वाला लच्छा प्याज तैयार कर लेते हैं। दोस्तों ये प्याज बहुत टेस्टी लगता है पुलाव के साथ खाने में। तो इसके लिए मैंने एक प्याज को लंबाई में कट करके लिया है, चुटकी भर चाट मसाला, चुटकी भर काला नमक और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैंने हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो आधा नींबू का रस भी मिला सकते हो दोस्तों। और ये लीजिए हमारा सुपर टेस्टी लच्छा प्याज तैयार है, जो कि हमारे पुलाव के टेस्ट को दो गुना बढ़ा देगा। तो सीटी भी निकल चुकी है, पुलाव को चेक कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारा सुपर टेस्टी लाजवाब मटर पुलाव बनके तैयार है। तो दोस्तों देखने में कैसा लग रहा है आप सब जरूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत मस्त लग रहा है पुलाव देखने में। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि दोस्तों सर्दियों का ये मेरा फेवरेट फूड है, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि दोस्तों ये मटर पुलाव बिना मेहनत के, बिना तामझाम के झटपट से बन जाता है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो दोस्तों बच्चे बहुत नखरे दिखाते हैं और जब बच्चे खुशी खुशी कुछ भी खा लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स को। तो मेरे कहने से एक बार ये मटर पुलाव जरूर बनाना, आपके घर में बड़े तो बड़े, बच्चे भी उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। तो जब तक मैं प्लेटिंग कर रही हूँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जब आप सब वीडियो को लाइक करती हो ना दोस्तों, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आप सबके लिए ऐसी रेसिपी लाऊं ना, जिसे आप घर के सामानों से ही बिना झंझट के बना के तैयार कर सको। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, मटर पुलाव बनाने का तरीका पसंद आया या नहीं, प्लीज़ कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों हमारी प्लेटिंग भी हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखने में भी बिल्कुल मस्त लग रहा है पुलाव, खाने में भी बहुत टेस्टी है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप कितना खिला खिला पुलाव तैयार है और टेस्टी भी है। तो ट्राई ज़रूर करना, जतिन और उसके पापा को भी बहुत पसंद आया है, आप भी बनाइए, अपने परिवार में सभी को खिलाइए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय। And I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy.